नारायण, नमन न्यूज पे आपका स्वागत है। पुरोला गांव में आज नव निर्मित पांडवों की चोरी का शुद्धिकरण किया गया। इस अवसर पे पांडवों ने अवतार दिया और वयोवृद्ध पंडित रामेश्वर प्रसाद व 365 छात्रियों के पुजारी पंडित हरिकृष्ण पुनियाल ने चोरी का विधिवत पूजन किया व हवन किया व गांव वालों की समृद्धि के लिए पांच पांडवों व थाती माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। ये जो नई चोरी बनी है ये क्या मतलब पहले क्या था और अब क्या क्या प्रगति हुई है? देखो ऐसा है कि ये पूर्व में गांव का वास्तु था, गांव के वास्तु का जो निर्माण हुआ है गांव के मध्य में होता है और ये पहले से यहाँ का निर्माण था, इसकी जीर्ण स्थिति हो गई थी, इसका दो वर्ष दोबारा से स्थापना हुई है, दोबारा से इसका नवनिर्माण हुआ है। इसके नवनिर्माण में पूरे गाँव का पूरा सहयोग रहा और आज भी सब लोग इसकी जब स्थापना हुई है, जब इसकी शुद्धि हुई है यहाँ, तो सब लोग बड़े हर्षोल्लास से इसका वो मना रहे हैं। ये गांव के वास्तु का ही महत्व है कि गांव का वास्तु अगर ठीक होता है तो गांव की प्रगति, गांव का विकास लगातार होते रहता है। अच्छा, ये गांव का उन्नति और प्रगति से संबंध होता है, ये जो थाती माता चोरी होती है इसका गाँव की उन्नति से सीधा संबंध होता है जी। नर और नारायण है, दो है, नर रूपी नारायण में नर में नारायण आता है और नारायण जो है अवतारित पुरुष से महाकृष्ण भगवान, उसके वंशज द्वारा जो है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और रघुवंशी और ये पांडुवंशी जो है पांडवों को अवतार दिया है। भारत भूमि में पवित्र भूमि है और ये चौरी जो है 100 साल पूर्व बनी, उसका जीर्णोद्धार आज हुआ है सारे गाँव के समक्ष से, सभी गाँव के सहयोग से 100 साल पहले। ड्रामा नहीं है, ये स्वयं विष्णु भगवान का अवतार है। मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग इसको नृत्य लिखते हैं, अवतार लिखने में उनको शर्म आती है, उनके लिए क्या है आपका? नृत्य नहीं है, नृत्य नहीं है, ये अवतार है। तो गाना होगा, बजाना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये अवतारी पुरुष जो है, अवतारी पुरुष जो है ये दुनिया को दिखाने के लिए एवं प्रकार से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो, छोटी बड़े की सभ्यता संस्कार समाज सुधार, हिंदू धर्म भारत भूमि पवित्र भूमि है, इस भूमि में 24 सप्ताह भगवान के इसी भूमि में हुए हैं और अवतारी पुरुषों ने उनको दर्शन दिया है। धन्यवाद। ये तो हरिकृष्ण उनियाल जी हैं और उनियाल जी का मैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है संपूर्ण रवाई घाटी में, क्योंकि यहाँ के जितने भी गांव हैं उनमें से लगभग सभी गाँव की जो थाती माता के स्थापना है या पुजारी है इन्हीं के द्वारा की जाती है। आपको नमन न्यूज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह से जजमानों की जो कृपा है आप जजमानों के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। पंडित जी, आज ये नई जो चोरी बनी है ये कब स्थापित हुई थी पहले? इसका तो ध्यान नहीं है भाई, कब की है, हमारे बाप दादा उनसे पूछ
अच्छा, वो पहले बुजुर्गों के जमाने से हो रही है, तो अब क्या जरूरत बनी थी कि नई चौधरी बनाई? जीर्ण हो गई थी। अच्छा, जीर्ण हो गई थी। अब जीर्ण जो चीज जीर्ण हो जाता है उसको उद्धार करना बहुत जरूरी होता है। तो आज ये क्या इसका जो कार्यक्रम है ये किस संबंध में रखा गया? आज इस संबंध में शुद्धिकरण किया गया आज। ठीक है, धन्यवाद नमो न्यूज पे आपका आने के लिए, आपका धन्यवाद और आपके उन्नति और उज्जवल भविष्य की हम मंगल कामनाएं करते हैं। चौहान जी हैं, आपने आगे बढ़ चढ़ कर इस चौनी के निर्माण में कार्य किया, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। क्या संदेश है सर आपको, आपका क्या संदेश है सर इस समय? मैंने बढ़ चढ़ के काम नहीं कराया, मेरे को गांव वालों ने बोला, इसलिए मैंने इसमें। अच्छा, आप तो एक सेवक के रूप में आपने काम किया यहाँ? हाँ, सेवक के रूप में काम करा हमने। धन्यवाद। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ के, पूरे हमारे रमाई क्षेत्र के, यमुना घाटी के और इस जनपद के उत्तरकाशी के, वो जब पंडो उतरते हैं गांव में तो वो इसको पंडो का अवतार नहीं लिखते हैं, वो बोलते हैं पंडो नृत्य हो रहे। क्या आप सहमत हैं नृत्य बोलने से इससे? ये पंडो उतरते हैं कि नाचते हैं? पंडो अवतार है। अवतार है, तो जो बुद्धिजीवी लोग उनके लिए क्या संदेश है आपका, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि आप इसको नृत्य न बनाए? नृत्य का मतलब ड्रामा होता है, तो उनके अनुसार ये एक ड्रामा है, तो आपका क्या संदेश है? संदेश ये है कि नृत्य नहीं है, पंडो नृत्य नहीं है, अवतार है पांडव। पांडव का अवतार आता है और जो आप पांडवों के पशुआ हैं, और ये मैं प्रोलगाऊं से आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पांडव के पशुआ, इनका बहुत रोष है, इनके अंदर जो हमारे बुद्धिजीवी और जो कुछ पत्रकार हैं, वो पांडवों का जो अवतार होता है, जब भी हमारी घरेलू भाषा में, यहाँ की भाषा में पांडव उतरना बोलते हैं, वो इसको पांडव नृत्य बना देते हैं। नृत्य का मतलब सीधा एक ड्रामे से होता है, उनके नज़र में एक ड्रामा है, इसलिए पांडव के पशुआ इस बात से बहुत नाराज हैं और उनका निवेदन है इन लोगों से कि वो इसको नृत्य ना बोले, इसको अवतार बोले, यही बोलना चाहते हैं ना आप? मूर्ख हैं जो ऐसे, तो ऐसे जो तथाकथित मूर्ख हैं उन तक हम आपका संदेश पहुंचा देंगे। धन्यवाद नमो नारायण पे बने रहने के लिए, आपका आभार। क्या महत्व है पांडवों के रमाई में या यमुना घाटी में, क्या महत्व है पांडवों का जो अवतार है या श्राद्ध है, क्या महत्व है इसका? आप मीडिया क्या है, क्या नाम है? नमो न्यूज जी, उत्तराखंड में पांडवों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। पहले कुछ देवता नहीं थे, पहले तो अब लोगों ने जो है शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, दुनिया भर के मंदिर बने हैं। पांडव जो है वो पौराणिक है, पांडव जो है पौराणिक देवता है, और ये नेचुरली वो है, अवतार है, कहते नहीं कहते इसको, अवतार कहते हैं, नेचुरली आ जाता है। जैसे आप पांडव उसमें आएंगे, उसे जो है नित्य अपने आप अवतार आ जाता है।